हेलो चौ, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। हाफ फेल एग्जाम की तैयारी भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली होगी। एक क्वेश्चन पेपर आपको पहले ही दे चुका हूँ कि जो जो 2023-24 के आपके हाफ फेल एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। प्लस उसके अलावा मैं आपको टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे सारे मोस्ट रिपीटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं और सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। प्लस इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए वो मैं आपको वीडियो क्लास में बता दूंगा कि कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप भी हमारे साथ बनाए रखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर सिंपली आपने कंपोजर टाइप करना है, या फिर सभी देखो हमारी जो भी सोशल साइट है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। देखो पहला जो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है, इसमें मैं आपके सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि जैसे आपका हो गया नोटिस हो गया, फिर उसके बाद पैराग्राफ हो गया, पोएट्री हो गया, फिर उसके बाद जो आपकी स्टोरी हो गई, फिर उसके बाद जो दूसरी बुक है, सभी के क्वेश्चन आपको इसी एक ही वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। पहले पूजा इज द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब ऑफ ABC स्कूल करणपुरा देहरादून। शी इज आस्क्ड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन द चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन इन हर स्कूल फॉर द स्कूल मैगजीन। राइट दिस रिपोर्ट विथ ऑल नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम, चीफ गेस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स। पूजा क्या है, आपके सेक्रेटरी है कहाँ की, कल्चर क्लब ऑफ ABC स्कूल में, ठीक है, देहरादून में ये आपका स्कूल है। और उन्होंने क्या कहा है, एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है किस टॉपिक पर, चिल्ड्रंस डे पर, जो कि आपका सेलिब्रेट हुआ था कहाँ पर, स्कूल में, और इसको आपने स्कूल की मैगजीन में लिखना है, ठीक हो गया। तो इसको आगे देखते हैं। तो नीचे आपको इसका पूरा सॉल्यूशन देखने को बच्चों मिल रहा है, तो यहाँ से आप सिंपली क्या करेंगे, इस पूरे सॉल्यूशन को आप इजीली वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। तो पूरी डिटेल्स आपने लिखनी है किस टॉपिक पर, चिल्ड्रंस डे पर, जो कि आपके स्कूल में मनाया गया। तो स्कूल मैगजीन में देखो ये आपकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर दिख रही है, आप इसको आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हो शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, और बाकी सॉल्यूशन आप लोगों ने खुद से कर लेना है, इसमें से पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है यू आर राजन लीला एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू हैव ऑर्गेनाइज अ कैंपेन ऑन से नो टू पॉलीथीन बैग्स इन योर लोकेलिटी। राइट अ रिपोर्ट इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स फॉर पब्लिकेशन इन अ मैगजीन। आप राजन लीला हैं और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, और आपने एक कैंपेन चलाया है जो कि है से नो टू पॉलीथीन बैग, यानी पॉलीथीन बैग्स को मना करना, कि पॉलीथीन जो होती है, आप पॉलीथीन देखते हैं, पॉलीथीन यानी पन्नी का इस्तेमाल ना करना, ठीक है। लोगों को समझाना है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपने कैंपेन चलाया है और इस पर आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है। 100 लगभग, मतलब 100 शब्द ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये आपने एक मैगजीन में पब्लिश करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा वो कैंपेन जो आपने चलाया है वो पूरा यहाँ पर डिटेल्स में है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप, राइट अ रिपोर्ट इन 80 to 100 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन यू आर बीना मोनू। अब यहाँ पे आपने बताया गया है कि आपके विद्यालय ने एक ब्लड डोनेशन कैंप यानी रक्तदान शिविर लगाया, उस पर एक आपने रिपोर्ट तैयार करनी है 80 से 100 शब्दों के बीच में, अपने स्कूल में आपके स्कूल की जो मैगजीन है उसमें छापने के लिए। तो आपका नाम है बीना और मोनू, तो लिखने का तरीका आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लिखना है। नीचे आपने जो रिपोर्ट तैयार करनी है वो पूरी आप यहाँ पे इजिली देख पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पे है, ठीक है। अगला है यहाँ पर अब आप जो स्टार्ट हो रहे हैं वो है, देखो इसमें क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग केक इज गिवन बिलो विथ द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब द प्रोसेस हाउ केक्स आर मेड, ठीक है। इसमें अब क्या करना है, राइटिंग क्या करना है, इसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक है। उस टॉपिक पर आपने क्या करना है, इस तरह से पॉइंट्स बनाने हैं। तो इसमें जो टॉपिक मिला है वो है हाउ केक्स आर मेड, केक किस तरह से बनाए जाते हैं, पूरी प्रोसेस यहाँ पे आपको बता दी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रोसेस फॉर मेकिंग केक्स, ये यहाँ पर आपका देखो जैसे यहाँ पर आपको कुछ हिंट दे दिए गए हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अगला है यू हैव अ डिस्क्राइब द प्रोसेस इन पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे कहा है हु गिवन बिलो इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो बाई अ पर्सन हु वॉन्ट टू प्रिपेयर टी, यानी एक व्यक्ति है जो चाय बनाना चाहता है, उनको कुछ सामने क्या दिए हैं, पैसिव वॉइस में दे रखा है। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दी है, इसका यूज करके आपने नीचे प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी पूरा यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है राइट आर्टिकल। देखो आर्टिकल भी आपके उसमें इंपॉर्टेंट है, राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड्स ऑन द टॉपिक द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट टू बी पब्लिश इन योर स्कूल मैगजीन यू आर मुमताज
मोहम्मद आजम ऑफ 11th स्टूडेंट्स भारतीय विद्या भवन नैनीताल। तो आपने 100 से 150 शब्दों के बीच में एक आर्टिकल तैयार करना है, इस पर द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्र के निर्माण में यूथ का रोल, ठीक है, युवाओं की भूमिका। तो इसमें आप देख रहे हैं पूरा द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट, ये तो आपने हेडिंग डाल देना है ऊपर। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं नीचे पूरी आपको डिटेल्स दी गई है, उसको आपने आराम से पढ़ लेना है वीडियो को रोक कर। फिर नेक्स्ट देखो, आपने यहाँ पर लास्ट में लिखना है मुमताज क्लास 11th भारतीय विद्या भवन नैनीताल। फिर उसके बाद अगला जो है, इसमें आपसे कहा है उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन अगेंस्ट द यूज ऑफ क्रैकर्स ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, ठीक है। जो उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है कैंपेन किसके किसके खिलाफ, क्रैकर्स यानी पटाखों के यूज, मतलब पटाखों का यूज किस तरह से करना है, इस्तेमाल किस तरह से करना है दिवाली पर, ठीक है। तो इस पर आपने क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है बैन क्रैकर्स, ठीक है। बैन मतलब आपको पता ही है पटाखों का, पटाखों पर प्रतिबंध। इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन, आपने अपने स्कूल की मैगजीन में पटाखों पर प्रतिबंध यानी बैन क्रैकर्स हेडिंग आपको दे दिया गया, इस पर आपने पूरे क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है, आर्टिकल तैयार करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है, इसको आप आराम से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है आपका, यू आर कमल, यू आर वॉरिड आफ्टर रीडिंग अ रिपोर्ट ऑन ओबेसिटी एमंग स्कूल चिल्ड्रंस एंड द ग्रोइंग क्रेज फॉर जंक फूड एंड डिजीजेस रिलेटेड टू इट, राइट एन आर्टिकल हाईलाइटिंग द नीड नीड टू हैव गुड ईटिंग हैबिट्स स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स टू बी पब्लिश इन द लोकल डेली, डू नॉट फॉरगेट टू सजेस्ट अ फ्यू टिप्स टू सस्टेन गुड फूड्स हैबिट, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो जंक फूड यानी जो फास्ट फूड आप देखते हैं, इनको इनकी बहुत ये हैबिट बन चुकी है खाना, मतलब घर पे खाना ना खाना, बाहर का ही ज़्यादा खाना। तो जंक फूड के बारे में आपने पूरा डिटेल में लिखना है, प्लस इसके अलावा कि किस तरह से आप अच्छा गुड फूड हैबिट्स आप अपने अंदर ला सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर पूरा बताया गया, तो इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यू आर जोहन जुली स्टाफ सेक्रेटरी ग्रांट पब्लिक स्कूल देहरादून, द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस विच इज प्लेइंग ऑन योर रूट एट 8 AM हैज बिकम इरेगुलर पुटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑफिस गोअर्स इन ग्रेट डिफिकल्टी, राइट अ लेटर टू द बस डिपो इंचार्ज कंप्लेनिंग अबाउट इट एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द बस रेगुलरली। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, आप जोहन जूली हैं स्टाफ सेक्रेटरी ग्रांट पब्लिक स्कूल के, ठीक है, देहरादून के, द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस विच इज प्लेइंग फ्लाइंग ऑन योर रूट एट 8 AM हैज बिकम इरेगुलर, मतलब आपके रास्ते में जो है, ठीक है, बसें चलती हैं और उनका जो टाइमिंग है वो 8 AM है, बट क्या है, ये रेगुलर नहीं आती है, ठीक है, और मतलब काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कंप्लेन करनी है किसको, बस डिपोट इंचार्ज को, कि जो बस की इरेगुलरली है उसको रेगुलर किया जाए, यानी मतलब रोज कभी आना कभी ना आना, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर देखो पूरी डिटेल्स के साथ आपने लिखना है, जिस जो भी आपको हेडिंग दे रखा है, ठीक है, सब्जेक्ट आपको दे रखा है इरेगुलरिटी ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, और यहाँ पे लास्ट में आपने लिख देना थैंकिंग यू योर फेथफुली जॉन। अगला है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपने छोड़ देना है और चलते हैं नेक्स्ट पर। ये वाला आपने देख लेना है, यू आर सुधीर सीमा ऑफ नैनीताल राइट अ लेटर टू द सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नैनीताल कंप्लेनिंग अबाउट बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी, आपने एक पत्र लिखना है सीनियर यानी SSP को लिखना है एक लेटर, ठीक है, जिसमें आपने बताना है कि जो नियम कानून है उनका बहुत बुरा हाल हो रखा है उनकी आप मतलब आपके शहर में, ठीक है, उस पर आपने एक पत्र लिखना है किसको, SSP यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आप कौन है, सुधीर और सीमा है, तो टॉपिक पर आपने पूरे डिटेल से लिखना है। ये देखो मेन है कि इसमें आपको ऊपर का हेडिंग और सब्जेक्ट वगैरह अच्छे से लिखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसमें आप जैसे कहा है कि डिटरमाइनर्स का यूज करना है, तो यहाँ पे देखो ए नंबर पर आपने कुछ फिल करना है ऐसे, बी फिर आ जाएगा आपका सी डी फिर ई फिर एफ, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, देखो पहले वाले में आ जाएगा दा फिर एन ए दा ए दा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड नंबर इनका सोल्यूशन नीचे आपको दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, देखो ये जो है आपका स्टार्ट हो चुका है पोएट्री सेक्शन, हाउ डिड ऑथर्स ग्रांट मदर
बिड हिम फेयरवेल एट द स्टेशन व्हेन ही वाज लीविंग फॉर अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। इस तरह से जो ऑथर है, ठीक है, लेखिका है, उनकी जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर यानी दादी, किस तरह से उन्होंने उनकी विदाई की, जब वो कहाँ जा रही थी, अपने घर को छोड़ करके विदेश जा रही थी, दूसरी जगह जा रही थी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं, व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज हर ग्रैंड मदर केम टू लिव इन एट द रेलवे स्टेशन एंड शी किस्ड हिज फॉरहेड। जो ऑथर थे, जब आगे की पढ़ाई के लिए तो अब्रॉड जा रही थी, तो उनकी ग्रैंड मदर उनके साथ उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई थी और उन्होंने उनके माथे पर किस किया। अगला जो प्रश्न है आपने देखना है वो है, व्हाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर डिसलाइक म्यूजिक। जो ऑथर की माँ थी वो गानों को सुनना पसंद क्यों नहीं करती थी। द ऑथर्स ग्रैंड मदर डिसलाइक म्यूजिक एज टू हर म्यूजिक वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्ड लॉर्ड्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक और स्कूल चिल्ड्रन फॉर रिस्पेक्टेबल फैमिलीज। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आजकल की दादी आप पकड़ी है और आप जिस तरह के आजकल गाने सुनते हैं, सेम वही कंडीशन उस दादी के साथ भी थी। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर वॉयज पास इन द बिगनिंग। द फर्स्ट ट्रिप ऑफ हिज वॉयज पास प्लीजेंटली एज ही सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। एक इस क्वेश्चन को देखना है, फिर आप नीचे देख रहे हैं फोर्थ नंबर, वट वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर। इसका है, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर वॉज एन ओमिनियस साइलेंस, द वाइंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रू डार्क। क्वेश्चन को देखना है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना अच्छे से देखो, ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। वाई वॉज हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिसेंटेड। इसका है, हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड बिकॉज हिज मेथड्स वर अनसाइंटिफिक एंड इल निमेट। ही फोकस्ड मोर ऑन ट्रेजर्स एंड लेस ऑन मम्मी विच ही डैमेज्ड अ लॉट ऑल्सो। नेक्स्ट जो आपने देखना है, वाई डिड द बॉय काइंड चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतन खातेन ऑफ तूतन खामुन। ठीक है, द बॉय किंग प्रोमोटेड द वॉरशिप ऑफ द एटेन द सन डिस्क, सो ही चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतन खातेन टू तूतन खातुम द सर्वेंट ऑफ द एटेन। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, किंग टूथ इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ। इसका आंसर आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ हैज नेक चंद बीन ऑनर्ड। नेक चंद हैज बीन बी ऑनर्ड इन फाइव कंट्रीज ऑफ यूरोप। रिलाम ऑफ नेक चंद वॉज शोन फॉर 5 months इन दोज कंट्रीज। हु वॉज खान साहिब, वट वॉज हिज डेस्टिनेशन, हाउ वुड ही रीच देयर। और देखो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारे आपके न्यू जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग आपको आपके लिए रखे गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है, खान साहिब वॉज अ बिजनेसमैन, ही हैड टू गो टू पेशावर, ही वुड कैच फ्रंटियर मेल फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल, ही वुड रीच फ्रॉम बॉम्बे टू दहली देन टू लाहौर एंड देन पेशावर। खान साहब के बारे में आपको बताया गया। अगला जो प्रश्न आपने देखना है बच्चों वो है, वाई वॉज प्रोफेसर गायतोंडे गोइंग टू बॉम्बे। प्रोफेसर गायतोंडे वॉज गोइंग टू बॉम्बे टू कंसल्ट हिस्ट्री बुक्स सो दैट ही माइट सॉल्व द रिडल अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत। अगला है, व्हाट इज द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी। कैटास्ट्रॉफी थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ डायनेमिकल सिस्टम थ्योरी। इट स्टडीज एंड क्लासिफाइज फिनोमेना कैरेक्टराइज्ड बाय सडन शिफ्ट इन बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम स्मॉल चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट है, व्हाई हैज द आर्टिकल बीन टाइटल सिल्क रोड। देयर इज अ मेंशन ऑफ द सिल्क रोड एट थ्री प्लेसेस इन द लेसन। द राइटर ट्रेवल्ड फ्रॉम रावू टू माउंट कैलाश, दे रीच्ड द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे एट हॉर। इट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर। इट वॉज नोन एज सिल्क रोड, हेंस द आर्टिकल हैज बीन बी टाइटल सिल्क रोड। नेक्स्ट है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन है, देखो इसको तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो अब जो आपके क्वेश्चन बचे हैं सभी लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो उनको तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है। गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जॉटिक प्लेसेस इन लेजेंड्स एंड द रियलिटी विथ रेफरेंस टू द लेसन सिल्क रोड। तो इस पूरे क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डू यू थिंक जॉन बायरो रिकॉग्नाइज्ड हिज हॉर्स, व्हाई डिड ही नॉट एक्यूज द बॉयज ऑफ स्टीलिंग हिज हॉर्स। तो इसका भी आंसर आपने देख लेना है।
नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया। और अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। तो ये आपका द एड्रेस वाला चैप्टर है, तो इसमें आपने इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से पढ़ लेना है। तो इतने ही क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके हाफ फेल एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे आपको। बाकी जो मैंने पेपर आपको पहले बताया है उसको भी आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो लगभग आपके सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर इसके अलावा आपके जो टॉपिक कुछ बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे, जो भी टॉपिक रह गए हैं। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है या वीडियो आती है वो आपसे मिस ना होने पाए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।